गाइस वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडोमेटा के बारे में सो लेट्स बिगिन इकाइनोडमेटा फाइलम के नाम की अगर हम बात करें तो इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी डर्म मतलब होता है स्किन और आटा मतलब होता है टू हैव तो ऐसे फाइलम एनिमल किंगडम के जिनके स्किन के ऊपर अगर हमें स्पाइन नजर आए तो हम कहते हैं कि वो फाइलम जो है वो इकाइनोडमेटा है तो इकाइनोडमेटा फाइलम जो होता है उनके स्किन के ऊपर स्पाइन नजर आते हैं कांटे नजर आते हैं इकानोडामेटा फाइलम हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसाइकल्स कैलकेरियस ओसाइकल मतलब कैल्शियम का बना होता है एंडोस्केलेटन और ओसाइकल्स मतलब होते हैं स्मॉल बोन तो स्मॉल बोन जो कि कैल्शियम के बने हुए हैं वो होते हैं एंडोस्केलेटन इकानोडामेटा के एंडोस्केलेटन क्या ऐसे स्केलेटन जो बॉडी के अंदर में हो जैसे इस इमेज को देखो ये हमारे इकानोडामेटा का एक एग्जाम्पल है इसका नाम हम अभी थोड़े देर में आगे जाके जानेंगे तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे, -लंबे, -लंबे नजर आ रहे होंगे ये, मतलब ये जो स्पाइन है ये भले ही तुम्हें स्किन पे तो नजर आ रहे हैं बट ये इकाइनोडोमेटा फाइलम जो है उसके एंडोस्केलेटन का हिस्सा होते हैं मतलब ये जो एंडोस्केलेटन है जो कि और ऑसाइकल होता है उससे ऑर्जिनेट करते हैं मीन्स ये जो स्पाइन है ये तो स्किन पे नजर आ रहा है बट किसका हिस्सा है एंडोस्केलेटन का एंडोस्केलेटन से ऑर्जिनेट कर रहे हैं ये चीज ध्यान में रखना इकाइनोडामेटा आर एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं मतलब सिर्फ पानी में पाए जाते हैं और वो भी खारे पानी में जैसे सी या ओशन में एक और फाइलम है जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन होता है फाइलम टीनोफोरा तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि फाइलम टीनोफोरा और फाइलम इकाइनोडामेटा दोनों के दोनों एक्सक्लूसिवली मराण होंगे सिर्फ खारे पानी में ही पाए जाते हैं इकाइनोडोमेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है विच मींस की बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक फिजोलॉजिकल फंक्शन करते हैं जिससे कि जो इकाइनोडोमेटा फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर सके बात करें सिमेट्री की तो सीमेट्री रेडियल और बायलेट्रल दोनों होता है इकाइनोडोमेटा में रेडियल जो होता है वो एडल्ट में पाया जाएगा और बायोलेट्रल जो होता है वो लार्वल स्टेज में पाया जाएगा रेडियल एडल्ट इकाइनोडोमेटा में और बायोलेट्रल इकाइनोडोमेटा के लार्वल स्टेज में होता है नेक्स्ट इकाइनोडोमेटा ट्रिपलो ब्लास्टिक विच मीन की बॉडी वॉल में तीन लेयर पाया जाता है एक्टोडम मेजोडम और एंडोडम इकानोडोमेटा सिलोमेट मतलब जो बॉडी वॉल है जिसे हम सिलोम भी कहते हैं अगर ध्यान से देखो तो ये बॉडी वॉल जो है वो मेजोडम लेयर से लाइंड है मेजोडम जम लेयर से इसीलिए इकाइनोडोमेटा को सिलोमेट कहा जाता है तो जो हमारा बॉडी वॉल है वो मेजोडम लेयर से लाइंड होता है जिसके कारण इकाइनोडोमेटा जो होते हैं वो सिलोमेट होते हैं मूविंग ऑन इकानोडोमेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है मतलब एक माउथ और एक एनस दो ओपनिंग दिखाई देता है इकानोडोमेटा फाइलम में माउथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है लोअर मतलब वेंट्रल साइड में लोअर साइड में ये तो मैंने ऊपर का दिखाया समझ जाना लोअर साइड में माउथ प्रेजेंट है और एनस जो है वो अपर मतलब डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है ऊपरी हिस्से में ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है एनस तो दो ओपनिंग माउथ और एनस होने के कारण इकानोडोमेटा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है इकाइनोडोमेटा हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम एज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर एक बहुत ही यूनिक डिस्टिंक्टिव फीचर पाया जाता है इकानोडोमेटा में जिससे हम कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है दिखने में ये हमारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो कि पाया जाता है इकानोडोमेटा में ये बॉडी के अंदर में होता है ऐसा तो मैंने ऊपर से बना दिया है दिखाने के लिए तुम्हें बट बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन लोकोमोशन में हेल्प करता है एक एनोडोमेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स फूड को कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और रेस्पायरेशन में हेल्प करता है मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम की याद करो एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें फाइलम पॉरीफेरा में दिखने को मिला था हमने फाइलम पॉरीफेरा में देखा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है ध्यान में रखना इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है वो एबसेंट होता है इकाइनोडर्मेटा डाइशियस होते हैं मीन सेक्सेस जो होता है वो सेपरेट होता है यानी एक मेल और एक फीमेल दिखाई देता है मेल में स्पम बनता है और फीमेल में एग यानी ओवम बनता है रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यूजुअली एक्सटर्नल होता है मतलब बॉडी के बाहर होगा यूजुअली बोला है तो नॉर्मली एक्सटर्नल ही है कभी कभार इंटरनल भी देखने को मिलता है किसी किसी एग्जाम्पल्स में बात करें डेवलपमेंट की तो जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा मीन्स इम्ब्रायो है इम्रायो से लार्वा बनेगा लार्वा से बनेगा एडल्ट याद रखना एडल्ट जो होते हैं उनका सिमेट्री रेडियल होगा और जो लार्वा है उसका सिमेट्री बायलैटरल होगा बायलैटरल। एक और चीज लार्वा जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग मतलब आराम से फ्रीली पानी में तैरते रहते हैं मूविंग ऑन अब बात करते हैं फाइलम के एग्जाम्पल्स की पांच एग्जाम्पल्स याद रखने है आपको पहला एस्टेरियस जिसे स्टार फिश भी कहा जाता है जिसको हम तब से देख रहे थे दूसरा ओफियोरा जिसे ब्रिटल स्टार भी कहा जाता है और उसके बाद एंटीडॉन जिसे सी लेली कहा जाता है फिर इकाइनस जिसे सी अर्चिन कहा जाता है और क्यूक्यूमेरिया जिसे सी क्यूकम्बर भी कहा जाता है इन पाँचों फाइलम को आपको याद रखना है बट एन में ये दो इमेज दिया गया है एस्टेरियस का और ओप्योरा का तो ये दो इमेज अच्छे से ध्यान में रखना बाकी का नहीं इमेज ध्यान में रखने से भी चलेगा बट नाम पाँचों का याद रखना तो यहीं पे हमने फाइलम इकाइनोडोमेटा कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम हेमी कॉर डेटा के बारे में पढ़ेंगे हेमी कॉर डेटा तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है तो तुम्हें लेक्चर समझ में आएगा समझ में आया तो प्लीज़ प्लीज प्लीज़ प्लीज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना वीडियो को लाइक करना नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बाय थैंक यू टेक केयर